दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएमएस लाइव लर्निंग में और मैं हूं आपका दोस्त रमेश सिंह। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टेलीग्राम की सभी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप टेलीग्राम सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। सो अगर आप एक टेलीग्राम यूजर हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और टेलीग्राम की ऑल सेटिंग्स के बारे में आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं टेलीग्राम की A to Z सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने टेलीग्राम ऐप यूज करने के बारे में वीडियो शेयर किया था कि टेलीग्राम कैसे चलाते हैं। सो अगर आप टेलीग्राम पर न्यू हैं और नहीं जानते कि टेलीग्राम का यूज कैसे करते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टेलीग्राम के सेटिंग पेज को ओपन करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको टॉप लेफ्ट साइड में ये 3 लाइंस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर ये टॉप साइड में हाफ मून का आइकन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप अपने टेलीग्राम को डार्क मोड में कर सकते हैं और नाइट में बिना अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाए टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके टेलीग्राम ऐप का पूरा इंटरफेस डार्क हो जाएगा और अगर आपको वापस नॉर्मल मोड में करना है तो फिर से इस तरह से इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद फिर से आपका लाइट मोड इनेबल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर ये ऑप्शन देख सकते हैं ऐड अकाउंट का, तो इस पर क्लिक करके आप अपना सेकंड टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप डबल सिम का यूज करते हैं तो अपने सेकंड फोन नंबर को आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद इस एरो के आइकन पर क्लिक करके नंबर वेरीफाई करवाना है और उसके बाद आपका सेकंड टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके दोनों ही टेलीग्राम अकाउंट आपको यहाँ पर शो होंगे, जिसे आप जब चाहे एक दूसरे पर क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू ग्रुप का। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने टेलीग्राम अकाउंट पर न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड फैमिली या फिर जानने वालों से एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से न्यू ग्रुप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी टेलीग्राम कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। तो गाइज यहाँ से आपको उन सभी फ्रेंड्स को सिलेक्ट करना है जिन्हें आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। फ्रेंड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बॉटम राइट साइड में इस एरो के आइकन पर क्लिक करना है। अब जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर आपको इस ग्रुप का कोई नेम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ABC एंटर कर देता हूँ। अब नाम देने के बाद जैसे इस राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे आपका टेलीग्राम पर ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम पर आप अपने किसी भी फ्रेंड को सीक्रेट मैसेज भेज सकते हैं और उस मैसेज को आपके और आपके फ्रेंड के अलावा कोई अदर पर्सन कभी भी नहीं देख पाएगा, यहाँ तक कि टेलीग्राम भी नहीं, क्योंकि टेलीग्राम पर यह चैट पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होती है और मैसेज भेजते ही आपके सेट किए टाइमर के अकॉर्डिंग आपका भेजा हुआ मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक कि जो रिप्लाई आपको सामने वाला करेगा वो भी आपके सेट किए टाइमर के अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड को टेलीग्राम पर सीक्रेट मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू सीक्रेट चैट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। आप जिस फ्रेंड से आपको सीक्रेट चैट करना है उसे सिलेक्ट करना है और टॉप राइट साइड में आपको 3 डॉट पर क्लिक करके टाइमर सेट कर लेना है, जितने भी टाइम में आप मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं। टाइमर सेट करने के बाद अब आप जो भी चैट अपने फ्रेंड से करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सेट किए टाइमर के अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। दोस्तों YouTube की तरह आप टेलीग्राम पर भी अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर न्यू चैनल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट पेज में चैनल नेम और चैनल डिस्क्रिप्शन एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप जिस नेम से चैनल क्रिएट करना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं और अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके उसमें एफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम पर चैनल बनाकर आप अर्निंग भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हैं और अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे दोस्तों आप कॉल्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप अपनी कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हो। इसके बाद टेलीग्राम पर जितने भी मैसेजेस को आपने सेव किया होगा सेव्ड मैसेजेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टेलीग्राम के अदर फीचर्स जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया है। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं टेलीग्राम की सेटिंग फीचर के बारे में। तो दोस्तों जैसे आप यहां पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से आप टेलीग्राम के सेटिंग पेज में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों आप सबसे टॉप में अकाउंट सेक्शन देख सकते हैं, तो इसमें आपका फोन नंबर, यूजर नेम, बायो या फिर प्रोफाइल पिक्चर होगी। तो गाइज इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर चेंज करना है तो इस तरह से आपको फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको चेंज नंबर के इस बटन पर क्लिक करना है। अब एक पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको चेंज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद
न्यू फोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको अपना नया फोन नंबर एंटर करना है और टॉप राइट साइड में राइट के आइकन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका टेलीग्राम पर न्यू फोन नंबर अपडेट हो जाएगा। टेलीग्राम पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है आपका यूज़र नेम। यूज़र नेम के थ्रू आप किसी भी यूज़र को इजीली सर्च कर सकते हैं और उसे विदाउट फोन नंबर अपने टेलीग्राम अकाउंट, टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपने टेलीग्राम पर अपना अकाउंट क्रिएट करते टाइम अपना यूज़र नेम सेट नहीं किया है तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर यूज़र नेम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में यूज़र नेम ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई यूनिक यूज़र नेम देना है जो पहले किसी ने यूज़ नहीं किया है। जैसे कि मैं यहाँ पर रमेश7218 एंटर कर देता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं ये ग्रीन हो गया है, यानी कि ये यूज़र आईडी यूनिक है और यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह से आपको यूनिक यूज़र आईडी एंटर करनी है और उसके बाद फाइनली टॉप साइड में इस राइट के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों टेलीग्राम पर आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब बिना आपके मोबाइल नंबर के इस यूज़र आईडी के थ्रू आपका कोई भी फ्रेंड आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट पर ऐड कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप बायो के इस ऑप्शन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं, यानी कि अपने बारे में 2-3 लाइनों में कुछ भी आप लिख सकते हो, जो कि आपके फ्रेंड्स के साथ साथ सभी यूजर्स को शो होगा जो आपको सर्च करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप कैमरे के इस आइकन पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल फोटो ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा और साथ ही गैलरी का ऑप्शन भी आ जाएगा, जहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप सेटिंग्स का ये सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस एंड साउंड्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने टेलीग्राम अकाउंट पर रिसीव होने वाली नोटिफिकेशंस और उनके साउंड को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप ये फर्स्ट सेक्शन देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर चैट्स। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइवेट चैट्स, ग्रुप्स एंड चैनल। तो गाइस इनके सामने ये टॉगल बटन्स बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं, यानी कि प्राइवेट चैट्स, ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स पर आने वाले मैसेजेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। अगर आप इन्हें इस तरह से ऑफ कर देते हैं तो इनसे रिलेटेड मैसेज की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगी। फिलहाल मैं इन्हें वापस इनेबल कर देता हूं। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर आप ये नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं वॉइस कॉल का, तो इसके थ्रू आप टेलीग्राम पर आने वाली वॉइस कॉल का वाइब्रेशन और रिंगटोन सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको वाइब्रेशन चेंज करना है, डिसेबल करना है या फिर साइलेंट करना है, तो यहाँ पर आपको वाइब्रेट के सामने डिफॉल्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आप डिसेबल के ऑप्शन पर क्लिक करके वाइब्रेशन बंद कर सकते हैं या फिर शॉर्ट लॉन्ग सेलेक्ट करके वाइब्रेशन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जब आपका फ़ोन साइलेंट हो तभी इनकमिंग कॉल्स पर वाइब्रेट हो, तो यहाँ पर आप बॉटम साइड में ओनली इफ साइलेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों रिंगटोन के सामने डिफॉल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेलीग्राम कॉल्स की रिंगटोन को बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके डिवाइस की सभी रिंगटोन शो हो जाएंगी, जिन्हें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है बैज काउंटर। तो गाइज ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और इसके थ्रू जितने भी नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होती है उनका काउंट आपको टेलीग्राम ऐप पर शो हो जाएगा। जैसे कि आपने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर मैसेंजर ऐप में देखा ही होगा, जितने भी अनरीड मैसेजेस होते हैं उन सभी का काउंट आपको इन एप्लीकेशन के आइकन पर शो होता रहता है, जब तक कि आप इन्हें रीड नहीं कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार टेलीग्राम